हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, मैं हूं रवि, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिन रात में। गाइज, आज का टॉपिक लेकर आए हैं कि जब हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि तत्काल टिकट बुक करना पड़ता है। तत्काल टिकट बुक करने के बाद अगर टिकट फुल्ली वेटिंग रह जाता है, कन्फर्म नहीं होता है, चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हुआ, वह फुल्ली वेटिंग रह गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? पैसा रिफंड मिलता है तत्काल टिकट का या फिर नहीं मिलता है? तत्काल टिकट का फंड मिलने के लिए क्या TDR फाइल करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिक मिल जाता है? तत्काल टिकट बुक करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे मिलता है, काउंटर टिकट से या फिर ऑनलाइन टिकट से? तो आइए, आज के इस वीडियो में मैं एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस में बताने वाला हूँ, एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। गाइज, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज किया हूँ कि फुल्ली वेटिंग। आखिर फुल्ली वेटिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। मैं इसको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, हम लोग जब टिकट करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं या फिर तत्काल टिकट स्लीपर का करते हैं या फिर तत्काल टिकट एसी का बुक करते हैं या ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या फिर जाके काउंटर से ऑफलाइन लेते हैं, तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है, तो मैं एक एक चीज में बताने वाला हूं। अगर मान लिया जाए कि अभी हम एक तत्काल टिकट बुक किए हैं और ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक किए हैं और स्लीपर का तत्काल टिकट बुक किए हैं, लेकिन चार्ट बनने के बाद भी वो कंफर्म नहीं हुआ है, फुल्ली का फुल्ली वेटिंग रह गया है, तो फुल्ली वेटिंग रह गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, रिटर्न हो जाता है और वही अकाउंट में होता है जिस अकाउंट से आप पैसा कटाए हैं, जिस अकाउंट से आप टिकट बुक किए हैं, वही अकाउंट में, बैक टू सोर्स अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक भेज दिया जाता है। कितना भेज दिया जाता है, कितना दिन लगता है, आइए दूसरे टॉपिक के डिस्कस के बाद मैं बताता हूँ। दूसरा टॉपिक क्या है कि अगर आप ट्रेन का टिकट ऑफलाइन लिए हैं, अगर आप स्लीपर का टिकट लिए हैं, ऑफलाइन जाके काउंटर से लिए हैं तत्काल टिकट, और तत्काल टिकट लेने के बाद वेटिंग टिकट मिला है आपको और वेटिंग चार्ट पढ़ने के बाद भी कन्फर्म नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में भी पैसा वापस होता है। कैसे वापस होता है? तो आपको ट्रेन खुलने से, ट्रेन का डिपार्चर जो टाइम है, ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले आप जा करके और काउंटर में जाके बोलेंगे कि मेरा ट्रेन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है और अब मैं इसको रिटर्न करवाना चाहता हूं, मैं कैंसिल करवाना चाहता हूं, तो वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंसिल करने के बाद आपको जो रिफंड होता है अमाउंट हैंड टू हैंड मिलेगा। कितना मिलेगा? तो गाइज, अगर आप स्लीपर का टिकट किए होंगे तो स्लीपर का टिकट में 60 रुपीज़ पर पैसेंजर, 60 रुपया काट के आपको बाकी पैसा हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। अगर आपका टिकट एसी का बुक हुआ होगा तो 60 रुपया और प्लस GST काट के हैंड टू हैंड रिटर्न दे दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं अपने मोबाइल से या फिर कोई एजेंट के थ्रू या फिर साइबर कैफे में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आपका पैसा रिटर्न होता है। कितना रिटर्न होता है? तो सेम प्रोसेस है। अगर आप स्लीपर का टिकट किए हैं तो 60 रुपया काट के और बाकी पैसा आपका सोर्स टू बैक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, जिस अकाउंट से पैसा कटा है वही अकाउंट में आपका वापस चला जाएगा। और अगर आपका एसी का टिकट होगा, चाहे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, कोई भी एसी का हो, अगर एसी का टिकट होगा, 60 रुपया प्लस GST काट के बाकी पैसा आपका सोर्स टू बैक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो गाइज, अगर ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो वह पैसा कितने दिन में देखने को मिलेगा? तो गाइज, ये पैसा आपको 3 से 5 दिन में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि वर्किंग डे होना चाहिए 3 से 5 दिन। अगर आपको वो 5 दिन के बीच में कोई संडे या फिर होलीडे होता है तो उस दिन को आप काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद 5 वर्किंग डे, 3 से 5 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए, आपका पैसा रिटर्न सोर्स टू बैक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। गाइज, अब यहां पे बात किए थे, एक वर्ड यूज किए थे,
फुल्ली वेटिंग, फुल्ली वेटिंग क्या होता है? तो गाइज उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पे। तो गाइज यहाँ पे फुल्ली वेटिंग जो वर्ड यूज किया है, तो फुल्ली वेटिंग क्या होता है, मान लिया जाए कि आप चार लोग एक साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और चार लोग का वेटिंग टिकट एक बार में ही बुक करना चाह रहे थे, एक टिकट पर ही चार लोग का बुक कर रहे थे, लेकिन तीन लोग का कन्फर्म हुआ, एक लोग का कन्फर्म नहीं हुआ। अगर एक लोग का कन्फर्म नहीं हुआ है तो क्या एक लोग का पैसा वापस आएगा? तो गाइज नहीं आएगा। वहाँ पे क्या होता है कि उसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। तीन लोग का बुक हो गया है, एक लोग का बुक नहीं हुआ है, ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं और आप अगर बैठे रहेंगे कि मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा तो नहीं होगा, उसके लिए TDR फाइल करना पड़ेगा। TDR फाइल कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर फुल्ली वेटिंग क्या है, फुल्ली वेटिंग मतलब चार लोग टिकट किए हैं, चार का चार लोग का अगर फुल्ली वेटिंग रह गया, किसी का भी कंफर्म नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा। अगर एक लोग आप टिकट किए हैं और एक लोग में अगर वेटिंग ही रह गया टिकट, तो वहाँ पे फुल्ली वेटिंग माना जाता है और वो ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पर। सो थैंक यू, धन्यवाद।